2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में है। बैठकों का दौर जारी है। कहीं ना कहीं संगठन में बदलाव भी होने हैं जो 2024 के समीकरण को साधते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में यूपी दौरा था और कहा यह जा रहा है कि एक तरीके से अनौपचारिक रूप में चुनावी शंखनाद भी पीएम मोदी ने कर दिया है पूर्वांचल को कई सौगातें देकर। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। सर, देखा जाए तो एक तरीके से अनौपचारिक जो है शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात जो है वो पूर्वांचल को दी है। क्या लगता है सर 2024 के लिए आप लोग कितना तैयार हैं? देखिए, आदरणीय मोदी जी की एक दिवसीय यात्रा उत्तर प्रदेश में रही, बल्कि दो दिवसीय यात्रा रही। नाइट डाल्ट उन्होंने वाराणसी में किया, सवेरे अगले दिन तेलंगाना के लिए प्रस्थान किया था। गोरखपुर की धरती पर तमाम NHAI की, रेलवे की और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम किया। वाराणसी की धरती पर भी तमाम 12,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और निश्चित रूप से वाराणसी उनका अपना, माननीय प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उनका अपना कर्मस्थल ही है। माँ गंगा को और काशी विश्वनाथ की असीम कृपा उन पर है। उनकी भी कृपा काशी पर पूरी तरह है, काशी का कायाकल्प करने का काम किया है, तो आते रहते हैं। लेकिन जिस तरह का उत्साह, मैं स्वयं भी था उस कार्यक्रम में, जिस तरह का उत्साह, लगाव, आत्मी भाव उत्तर प्रदेश की जनता का आदरणीय मोदी जी के प्रति है, उसके बल पर, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता पुनः आदरणीय मोदी जी को प्रचंड बहुमत से 80 की 80 सीटें जिताने का काम करेगी। सर, देश और प्रदेश में इन दिनों UCC और PDA को लेकर काफ़ी चर्चा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? देखिए, कतिपय पार्टियाँ, राजनीतिक दल अपनी पुरानी ट्रेडिशनल सोच पर अभी भी काम कर रहे हैं। भारत बहुत बदल चुका है, भारत के लोग बहुत बदल चुके हैं, मतदाता बहुत समझदार हो गया है। यहाँ जात, धर्म और वर्ग के आधार पर नहीं, भारत की जनता, भारत का मतदाता, उत्तर प्रदेश का मतदाता अब लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेके, उन चेहरों पर जिन पर 70 साल से आज़ादी से अब तक विकास की किरणें नहीं पहुंची थी, सम्मान की किरणें नहीं पहुंची थी, ऐसे लोगों के चेहरे तक विकास की किरणें देकर के, पारदर्शिता के साथ उनको विभिन्न गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर के, भारतीय जनता पार्टी ने उनके जीवन को एकदम ऊपर ले जाने का काम किया है, जीवन में गुणात्मक सुधार लाने का काम किया है। आज विकास की मुख्य धारा में बुलवा सके हैं वो, और अगर बात करें तो उसमें हर वर्ग धर्म जाति के लोग हैं। उससे भी आगे बात करें तो उसमें वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संभवतः कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था। अल्पसंख्यक वर्ग के वो लोग जो गरीब थे, उनको अभी सर्वाधिक लाभ शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, सबसे ज़्यादा जो प्रदेश और देश की योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिला है जो गरीब थे। और गरीबों में चूँकि अल्पसंख्यक वर्ग के बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, उनको भी लाभ मिला है। तो अब लोगों को चाहिए विकास, लोगों को चाहिए एक जीवन शैली में सुधार, लोगों को चाहिए बढ़ता हुआ विकास का पहिया तेज गति से चले, प्रदेश और देश विश्व पटल पर अर्थव्यवस्था के रूप में छाने का काम कर सकें। आंतरिक सुरक्षा की बात हो, हमारी सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, विश्व में भारत के बढ़ते हुए कर की बात हो, विश्व में भारत की बढ़ती हुई धमक की बात हो, 2047 में विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने की बात हो, ये सब देश के नागरिक, खासकर युवा, इसी को चाहता है और इसी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पुनः आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका इसमें होगी कि हम 80 की 80 सीटें जीत करके कमल खिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि चाहे युवाओं की बात की जाए या फिर अल्पसंख्यक समाज की बात की जाए, सभी को विकास की मुख्य धारा से भारतीय जनता पार्टी ने ही जोड़ा है और इसी का फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा। के साथ अभिषेक पांडे, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।